ਕਰੋ ਦਫੇ ਤੇ ਵੇਪਰਾ ਐਸ ਕਿਊ ਟੀ ਵੱਡੀ ਆਈ ਹੈ 1000 ਵਿਊਜ਼ ਆਨੇ ਦੇ ਦਫੇ ਤੇ ਵੇਪਰਾ ਅਸਾਂ ਮੈਂ ਲਗਾ ਵੀਡੀਓ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਥੁਣਾ ਦੀ ਕਿਆ ਦੀ ਬਿਠਣ ਕਢਾਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਚੈਨਲ ਅਸਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਸਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से मेरे तमाम मेहमानों को जुम्मे की बहुत बहुत मुबारक हो और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आज सबकी दिली ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, आमीन। और स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा, इसकी बकवास सुनी होगी कि इसने SKT के बारे में क्या बकवास की है। तो इसके नज़दीक ये वाला जो भी काम ये करती है ना, वो काम जायज़ है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि अल्लाह पाक जब किसी बंदे के दिल में मोर लगा देते हैं ना, वो पक्की मोर होती है, उसके कोई नहीं हो सकता कि इन लोगों की कोई इसलाह या कुछ, क्योंकि अल्लाह पाक इंसान को डील देते हैं। वो कहते हैं मेरा बंदा रास्ते पे आ जाए, सीधे रास्ते पे आ जाए, लेकिन इसके बावजूद भी जब बंदा सीधे रास्ते पे आना ना चाहे तो वो अल्लाह पाक की तरफ से दिल में मुकम्मल तौर पर मोर लगा दी जाती है। बिल्कुल ऐसा इन लोगों के साथ हुआ है, क्योंकि इन लोगों के नज़दीक ये वाला काम बुरा नहीं है। इसने कहा है कि आगे चल के इसके कुछ क्लिप भी हैं, वो भी आप देख सकेंगे, जिस तरह ये ठुमका लगा रही है। इंशाल्लाह ये वाला सॉन्ग मैं शॉर्ट भी लगाऊंगी, वो भी आप लोग देख लेना। तो जिस तरह ये बकवास कर रही थी, दफ़ा करो, तो दफ़ा तुमको 1000 करोड़ बार लोग करते हैं। लोग तुम्हारे चैनल पर जाके तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाते हैं। मैं तुम्हें सोनिया बता दूं कि SKT के बारे में तुम कह रही थी, SKT कौन है? SKT वो है जिसने तुम्हारे हस्बैंड के 25,000 सब्सक्राइबर की ताकत वाले चैनल को मिनटों सेकंडों में भेज दिया था, मुकम्मल तौर पर उसका बोरिया बिस्तरा गोल कर दिया था। इस वजह से तुम्हें SKT अब बुरी लगने लगी है। हम लोग वो हैं, जब साबरा भाग के गई थी, आप लोग हमारे चैनल पे आके हमें कमेंट्स करते थे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप सही बात कर रहे हैं, तब हम अच्छे थे। अब जब हमने ये देखा है हक और सच का साथ देना है, तुम लोग जो दिन रात ये लोग जो तुम्हारे साथ ये लड़का बैठा हुआ है, क्या ये तुम्हारे मामे का पुत्र है, चाचे का पुत्र है, या तुम्हारा कोई भाई है? तुम्हें मर्द खुद आके यहाँ पे कहते हैं लाइव आके कि सोनिया हमें जो मर्जी बोलो लेकिन बाई ना बोलो, तो ये औरत के लिए एक मौत का मुकाम होता है। जब कोई मर्द क्या हमारे सामने कहता है हमें बाई ना बोलो, इसका मतलब ये होता है कि उसने नज़र गंदी हम पे डालनी है। तो औरत को सबसे कीमती, अपनी जान से भी कीमती चीज़ क्या होती है? अपनी शर्मो हया होती है। वो आप लोगों ने बिल्कुल उतार के फेंक दी है। कितनी बार मैं कहा है मैंने कि वो आप लोगों के पास से जो खाला गुजरता है ना, उस खाले के पानी में आप लोगों ने अपनी शर्मो हया को फेंक दिया, वो उसी पानी में, गंदे पानी में बह के चली गई। आप लोग जो भी काम करती हो, जो भी गंदा करती हो, वो आप लोगों के नज़दीक अच्छा और जायज़ काम है, क्योंकि अल्लाह पाक की फटकार तुम पे बरस रही है और तुम लोगों के मरते दम तक ये बरसती रहेगी। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सब बातें आप लोगों के साथ क्लियर होने वाली हैं और आप लोगों ने चैनल के साथ ही रहना है, स्किप नहीं करना वीडियो को। जो चैनल पे न्यू आए, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें प्लीज़। शेयर का इस वजह से कहते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ इस काम में शरीक हों, क्योंकि कहते कतरा कतरा करके दरिया बनता है, और आप लोग भी हमारे साथ इस नए काम में हमारा साथ दें, क्योंकि हम लोगों ने ये वाला पाकिस्तान से जो ये गंदगी फैल चुकी है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पे हमने साफ़ करनी है कि कोई अल्लाह का बंदा जिसके दिल में रहम और तरस आ जाए, वो पाकिस्तान से टिकटॉक के ये जो लाइव है इसको मुकम्मल तौर पर बैन कर दे, क्योंकि घरों के घर तबाह हो रहे। इन लोगों की देखा देखी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो इस तरफ आ रहे हैं। लोग हमें कहते हैं कि आप लोग जब इनकी वीडियोस को शेयर करते हो, जब ये रिकॉर्डिंग आप लोग लगाते हो, तो लोग देख कर ना आप लोगों के चैनल से ही वो आते हैं। अल्लाह के बंदो, ये बीमारी पूरे मुल्क में फैल चुकी है, ये वायरस पूरे मुल्क में फैल चुका है, ये हम लोगों ने नहीं फैलाया, ये इन लोगों ने खुद ही फैलाया है। तो इनकी देखा देखी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो इस तरफ आ रहे हैं। तो सबा एमन जब ये कह रहे थे कि हमारे जो ब्रॉड पे राफिया आती है SKT, तो वो इधर आके हमें गिफ्टिंग भी करती है, तो वो गिफ्टिंग करके हमारी रिकॉर्डिंग करती है, तो वो आप लोगों को बीक भी देती है।
तो भीख दे कर अगर उसने रिकॉर्डिंग कर ली, आप लोगों के करतूत दुनिया के सामने कर लिए, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी हैरानगी वाली बात नहीं है, क्योंकि तुम लोग खुद इस हद तक गिर चुके हो, इस हद तक बेगैरत हो चुके हो आप लोग कि आप अपनी बीवियों को साथ बिठाकर लोगों को दिखा रहे हो। ज़रा नीचे आप लोग पढ़ा करो कमेंट्स, जो लोग आपको इस हद तक करते हैं कि आपकी बीवियों के लिए बेअंदाज़ा गालियां मिलती हैं। सॉरी, तो इसमें हम रिएक्शन वालों का कोई कसूर नहीं है, हम लोग उनको पकड़कर या आपको पकड़कर इधर नहीं बिठाते। आपकी कम्युनिटी में हम लोग गन पॉइंट नहीं रखते हैं कि आप लोग ज़रूर करो, लाजमी आके ऐसी एक्ट करो, आप लोग मुजरे करो। फिर जी ये मैडम जो मैडोना मैडम है, ये कह रही थी कि अगर मैं यहाँ बैठ के ठुमके लगा देती हूँ तो लोगों की नज़र में ये नहीं है कि मैं डांस करती हूँ, ये देखें ये ठुमके हैं। तो फिर जो घुंघरू बांध कर पैरों में नाचती हैं, वो भी यही कहती हूँ कि हम भी क्लासिकल डांस कर रहे हैं, हम भी जो है ना वो कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम भी इसके। तो आगे आप ये एंजॉय करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव सारो, तो रिकॉर्डिंग चल रही पे कर के ना रिकॉर्डिंग क्यों करो करो फजर, वीडियो नहीं लावनी, रिकॉर्डिंग करो फजर वीडियो। हां इनकी वीडियो लगी पे ही वाला, ईया वीडियो बनाते ना वाला, सेंड कितने सुडई वाला, उन्हें लाते वाला वो वीडियो एडिटे से ना इंदी आईडी जड़ी प्ले थी दी पी, फुल भी मरेंदी बैठी ते रिकॉर्ड भी करेंदी बैठी, मैं ये कमाल तेरी किस्मत को जड़ा ना सलाम है। अच्छा हां ये रजब खान वेलकम गाइस, डबल टैप करो सारे मिलके, डबल टैप करो गाइस स्पीड से गाइस, डबल टैप क्या कर रहे हो यार, डबल टैप तो करो कम से कम। चल निकल वड़ी तो रिकॉर्ड करने वाली आई दफाती बोसरी जा जेड़ हम जने आते सी ए बैठे ने इतने बैठे हैं वाले भी चासे तेरा तो बैठे हैं सारे दाह बैठे हैं रफिया एसकेटी देखो कैरी रिकॉर्डिंग लाला दबेड़ में एसकेटी दे मुंह दोते चपेड़ मारो दफे दिवे परा एसकेटी बड़ी आई है 1000 व्यूज आने दे दफे दिवे परा असल मैं लगा वीडियो कहनी थी ना दी क्या दी बैठे कढ़ाई भी मेरे को सब्सक्राइब भी कहना चैनल असा कहनी दिठी साको पता ही कहना कुछ कहना ते हेक नहीं ना अचानक में ना नजर पई मैं जो प्ले की ना तो ए ना ओ फुल्ले को दबेंदी बैठी हुए वीडियो रिकॉर्ड थी पी ना फुल्ले को दबेंदी बैठी हुए ते वाले ए देखो ए मैं फुल मरेनी बैठी हां ते ए जरा ना मिनता करेंदे बैठन फलान करेंदे बैठन मैं होन होन आई ये वाल होने होने वो अपने चैनल ते नहीं वाला उड़े ही ट्रांसफर की आज लाहौर खाने मुर्दा खाने जंगल चो निकल गए वाला तू गन चाहिए वदावे वाल गन तेरी पता कि ढह पिए वाला हूं तू मत गन मारूंगा वै यार तू ने मार सकदा गन तकरीबन 5-7 नियम दी रह गए फुल मारे कुछ करे कोई चीज करे असा कुछ है कोई गाल क्या नहीं करता भला एक दा वीडियो मेरे अगू अचानक ही आई है सामने मैं कि यार देखा क्या मैं जिते तो रफिया रिकॉर्डिंग चलाई ते वाला उहा उड़े भेजी ते चलवाई बैठी लेकिन मैं कोई मसला का नहीं हमें फरमा तो सुमन कह नहीं हमदा यार तू जो इतना आमदी वाला जाति पाते हमने फर्क तो नहीं रहेगा ना यही तो चीज पता है क्या है असल में मैं एक चीज सोचता हूँ कि अब देखिए जो प्राइम मिनिस्टर है जो वजीर आजम बनते हैं वजीर आजम मुल्क के वजीर आजम होते हैं ठीक है वजीर आजम जो होते हैं ना
उनके खिलाफ ही कितनी, अब कोई किसी वजीर आजम के, कोई किसी लीडर का फैन है, कोई किस लीडर का फैन है, कोई किसी लीडर को गालियां देता है, कोई किसी लीडर, या फिर हम क्या है जब वजीर आजम को गालियां पड़ती है, वजीर आजम को बुरा भला कहा जाता है, टोटल सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ डेली कितने करोड़ों की तादाद में वीडियोस लगती होंगी, तो क्या वो वजीर आजम नहीं बनते फिर, क्या वो असेंबलियां नहीं चलती फिर, क्या वो सिस्टम नहीं चलते फिर, ये चीजें रुकने वाली नहीं होती। एक बंदा उनको समझाया जाके कि ये काम करने से किसी का काम नहीं रुकता होता, बल्कि एक दोबारा से जो है ना वो फेम मिलता है, ये नहीं, बस इनको समझ नहीं आती, ये कहते हैं असल में ना इसको रिएक्शन नहीं कहा जाता, रिएक्शन उसको कहा जाता है, रिएक्शन जातियात के ऊपर नहीं होता, रिएक्शन एक दुश्मनी के तौर पे नहीं किया जाता, रिएक्शन जो है एक किसी के माँ बाप को टॉर्चर नहीं किया जाता, रिएक्शन इस तरह से होना, रिएक्शन होता है, रिएक्शन क्या होता है, इन्होंने जी फला इनकी जिंदगी कैसी थी, इन्होंने फिर कैसे स्ट्रगल की, कैसे आगे बढ़े, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्योंकि पहले काफी रिएक्शन पड़े, पहले ऐसे होते थे तकरीबन 2022-21 में काफी रिएक्शन चैनल थे माशाल्लाह से, यकीन करें मिलियन के अंदर उनके व्यूज आते थे रिएक्शन के ऊपर।